संपूर्ण मानवता के लिए आज कितनी बड़ी कामयाबी है। अपने शब्दों के जरिए अपनी भावनाओं का वो प्रकटीकरण कर रहे थे। और आपको ये भी बताते चले, कई देशों की ओर से लगातार कोशिश की गई साउथ पोल पर उतरने की, लेकिन किसी को भी कामयाबी नहीं मिली है। और आज ये बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान को दुनिया भर में वो पहला मुल्क बन चुका है जिसने दक्षिणी ध्रुव में आज एक कमाल कर दिखाया है। यहाँ पर तमाम हमारे साथ युवा मौजूद है, एक बार जरा जोरदार भंगड़ा हो जाए, उसके बाद इन लोगों से बातचीत भी करेंगे। ये बड़े बेसब्र हुए जा रहे हैं नाचने के लिए, थिरकने के लिए, और इनका जोश हाई है। लेकिन एक एक करके हम लोगों से बातचीत भी करेंगे, उसके पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। हाथों में तिरंगा है, चेहरे पर मुस्कान है और होठों पर यही गान है कि हिंदुस्तान को ऐसी कामयाबी लगातार मिलती रहे, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हमारा इसरो करता रहे। यहाँ पर वैज्ञानिक भी मौजूद हैं, कविता पाठ करने वाले लोग भी मौजूद हैं, और मौजूद हैं वो युवा चेहरे भी जिनके जरिए हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है। अब थोड़ा ढोल की थाप को विराम देते हुए जिन लोगों को अपनी बात कहनी है थोड़ा आगे आ जाएं, क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जो बहुत देर से बेसब्र हुए जा रहे थे अपनी बातों को बढ़ाने के लिए। जल्दी आइए, क्या बोलना चाहिए इस शुभ अवसर पे। मैं कुछ शब्द हमारे भारत के लिए बोलना चाहूंगी कि मैं भारत वर्ष के करके मैं आप लोगों के पास आऊंगी, एक इनके पास हूं, उसके बाद आ रही हूं। भारत हमारी जन्मभूमि, और आज का दिन देखते हुए मैं कहना चाहूंगी कि मैं भारत वर्ष का हरदम अमित सम्मान करती हूं, यहां की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूं। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, हो तिरंगा कफन मेरा बस यही अरमान रखती हूं। क्या बात है, क्या बात है, शानदार नेहा बात है। मेरी सहयोगी बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे नेहा का रुख करेंगे, उसके बाद और भी युवा चेहरों से बातचीत करेंगे। नेहा आप तो वहां पर मौजूद हैं, आप उन खास पलों की साक्षी बनी जो भावनाओं से पूरे हिंदुस्तान को भर देने वाली है। अभी क्या महसूस कर रही है, किस तरह से जश्न चल रहा है इस वक्त? देखिए चित्रा, जश्न तो उस वक्त चरम पर था जब तिरंगा अपने हाथ में हिलाया और इस बात पर मुहर लग गई कि हाँ वाकई चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे यहाँ पर सोमनाथ जी खुद मौजूद थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन इन सब के बीच वो मैन ऑफ द मोमेंट तो जरूर है, उन्होंने श्रेय देना नहीं भूला उन तमाम अन्य सहयोगी वैज्ञानिकों का जो पूरी दिन रात एक करके इस मिशन के साथ जुड़े रहे, जिन्होंने अपना खून पसीना दिन रात भूख प्यास सब कुछ भूल कर सिर्फ इस मिशन पर अपना फोकस केंद्रित रखा, क्योंकि को मालूम था कि इस बार चंद्रयान 3 की कामयाबी उनके लिए कितनी अहम है। माखौल उड़ चुका है विश्व भर में, लेकिन उससे भी भारत नहीं घबराया, उससे भी भारत जो है वो उसकी गति कम नहीं हुई इस पूरे मिशन में अपना योगदान देने के लिए। किस तरीके से रिसर्च आगे बढ़ी ये हम सब ने देखा, और कैसे इन वैज्ञानिकों ने हौसला नहीं खोया। अगर आपकी तुलना विकसित देशों से की जाए तो ये आपके लिए गर्व का लम्हा होता है, अगर इसरो की तुलना एक वक्त में नासा से करी जाए तो ये इसरो के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि अब हम नजीर पूरे विश्व के लिए पेश करेंगे, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले हम पहले देश बन गए हैं, यानी कि अब दूसरे देश हमसे सीखे। ये प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कहा, उनके अंग्रेजी संबोधन में आपने सुना होगा कि अब यहां से फॉरवर्ड लुकिंग जो चीजें हैं वो अन्य देश भारत के चंद्रयान 3 से सीख सकते हैं। इस मिशन से कई सारी जो उपलब्धियां भारत ने हासिल करी हैं वो उपलब्धियां अब दूसरे देशों को हासिल करनी होगी, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा फोकस, एक बहुत बड़ा मिशन हो सकता है कि हिंदुस्तान जैसा देश जहां पर 140 करोड़ की आबादी है, जहां पर इतने कम खर्च के साथ हमने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल बनाया है, लूना 25 जो विफल हुआ जिस पर 1650 करोड़ की लागत लगाई गई थी वो अनसक्सेसफुल हुआ, वो सफल परीक्षण नहीं हो पाया, लेकिन हमने इसे 614 करोड़ में ही हासिल कर लिया। इसे ये दर्शाता है कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर हौसले बुलंद हो, अगर दिमाग में एक सोच हो कि हाँ हिंदुस्तान को हमें उस लेवल उस परचम पर पहुंचाना है जहां पर पूरा विश्व उसे सल्यूट करे। और आज तो खुद जोहानिसबर्ग में प्रधानमंत्री मौजूद हैं, वहां पर चीन, रशिया, साउथ अफ्रीका, इस तरह के दिग्गज देश जो कि विकसित देश हैं, जहां पर ये कल्पना करना भी इस वक्त चीन के लिए मुश्किल हो पा रहा होगा कि कैसे हिंदुस्तान ने कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से तो ऐसे सुर आए भी, वहां पर तो खुद फवाद ने ये कहा कि देखिए हिंदुस्तान से सीखिए कि पाकिस्तान तो अभी वहां पर हिंदुस्तान के नाखून के बराबर भी नहीं पहुंचा है स्पेस रिसर्च के मामले में। तो ऐसे में अच्छा तो लगता है
गर्व की फीलिंग होती है कि आपके जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो आप पर निगाह तरेरते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, उनके लिए आज सबक सीखने का।